इस सीजन में बहुत ही मीठे मीठे ताज़े ताज़े अंगूर आने लगे हैं, तो इस अंगूर से मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इस अंगूर की रेसिपी को खाने से पहले आप लोग देख के ही बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो इस अंगूर की रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। कुछ ही सामान से ये मज़ेदार अंगूर की रेसिपी बनकर तैयार होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है अंगूर। अंगूर को मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार वॉश कर लिया है। तो इस तरह से आप लोगों को एकदम मीठा अंगूर ले लेना है पहले, और उसके बाद एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और सभी अंगूर को ग्राइंडर जार पे डाल देंगे। तो मैंने सभी अंगूर को ग्राइंडर जार पे डाल दिया है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी मैंने यहाँ पे लगभग 1 कप जितना डाल दिया है। वैसे तो अंगूर में भी ढेर सारा पानी होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया है। अभी अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अंगूर को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो अभी छन्नी से छान के अंगूर का जूस निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बर्तन। अभी बर्तन के ऊपर इस तरह से एक मोटा वाला छन्नी लगा लेंगे और अंगूर की जूस को इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से चम्मच की मदद से इस तरह से निचोड़ के अंगूर का जो जूस है ना वो सारा निकाल लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कितना छिलका निकल आया है। तो इसको अलग से फेंक देंगे। तो इस तरह से पूरा जो जूस है आप लोग निकाल लेना। तो यहाँ पे इस तरह से मैं पूरा जूस निकाल के आप लोगों से फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरा जूस निकाल लिया है। अभी इस बर्तन को रख देंगे साइड पे और यहाँ पे मैंने दूसरा बर्तन रख दिया है। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 कप कॉर्नफ्लोर। तो आप लोग 1 कप लेना और 1 कप से ही सब कुछ नाप लेना। तो यहाँ पे मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर डाल दी है और अभी 1 कप अंगूर का जूस ले लिया है। और थोड़ा थोड़ा अंगूर की जूस को डाल के इस तरह से गोल तैयार कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले थोड़ा सा डाला है, अभी और थोड़ा डालेंगे और इस तरह से अंगूर की जूस को कॉर्नफ्लोर पे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से और 1 कप ले लिया है और फिर से डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने और 1 कप ले लिया है, वो भी डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे और 1/2 कप। तो मैंने यहाँ पे 3 कप और 1/2 कप लगभग अंगूर का जूस लिया है, वो डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो अंगूर का जूस है वो रेडी है। इसको रख देंगे साइड पे और यहाँ पे गैस के ऊपर रख दिया है मैंने एक कढ़ाई को। अभी इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पे वही कप से डाल दिया है 1 कप और 1/2 कप चीनी। अभी वही कप से इसमें डाल देंगे 1/2 कप जितना पानी। तो आप 1 कप से ही सब कुछ नाप लेना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो देख सकते हैं मैंने चीनी और पानी को डाल दिया है। और डालने के बाद अभी इस तरह से जल्दी जल्दी मिक्स करते जाएंगे। तो हमें ना एक तार वाला चाशनी बनाना है। तो जब तक एक तार नहीं बन जाता है तब तक हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो अभी चेक कर लेते हैं हमारा जो चाशनी है वो बनकर रेडी है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं एक तार बन रहा है, यानी कि हमारा जो चाशनी है वो बिल्कुल रेडी है। अभी गैस के फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और हमने जो कॉर्नफ्लावर और अंगूर की जूस को मिक्स करके रखा था ना, एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे और धीरे से सभी को डाल देंगे और इस तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाएंगे। सभी जूस को डालने के बाद इस तरह से लगातार चलाते जाएंगे। तो इस तरह से चलाते चलाते एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो अंगूर का जूस है गाढ़ा बन चुका है। तो इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। गैस के फ्लेम को मैंने एकदम हाई कर दिया है और इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। तो अभी जो है अंगूर का नेचुरल कलर है, तो अभी इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ग्रीन फूड कलर। 1 बूंद डाल देंगे, यानी कि 1 ड्रॉप डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मिठाई का कलर है बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे वेनिला एसेंस, ताकि हमारा जो मिठाई है खाने में बहुत ही मज़ेदार लगे। तो मैंने यहाँ पे 2 ड्रॉप डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मिठाई है वो कढ़ाई पे चिपक रहा है, तो इसीलिए साइड पे से एक चम्मच घी डाल देंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से घी को डालते रहेंगे और मिक्स करते जाएंगे जब तक हमारा मिठाई कढ़ाई ना छोड़ दे। इस तरह से घी डालते रहेंगे और इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। घी डालने से ये जो मिठाई है दांतों में भी नहीं चिपकेंगे और हाथों में भी नहीं चिपकेंगे और बहुत ही नरम एंड मुलायम हो जाता है। तो इस तरह से तोरा प्लेट पे निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए और बाद में देखेंगे हमारा जो मिठाई है वो सेट हुआ है या नहीं। तो इस मिठाई को इस तरह से लगातार चलाते हुए रख लेंगे और मैंने यहाँ पर ले लिया है केक टिन, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और अभी इस तरह से ऑयल को चारों तरफ लगा लेंगे ताकि हमारा जो मिठाई है वो नीचे से चिपके ना। तो अभी ऑयल लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे ताकि मिठाई देखने में बहुत ही प्यारा लगे। तो अभी हमारा मिठाई सेट करने के लिए रेडी है। तो अभी चेक कर लेते हैं हमने जो रखा था, तो अभी देख सकते हैं मिठाई जो है वो लगभग हो चुका है। तो यहाँ पे हमने जो चेक करने के लिए रखा था आधा घंटा हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मिठाई है वो हाथों पे नहीं चिपक रहा है, यानी कि हमारा जो मिठाई है वो परफेक्ट बना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कढ़ाई पे भी नहीं चिपक रहा है। तो अभी क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फटाफट से गर्मा गर्म मिठाई को इस तरह से केक टिन पे डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से इस तरह से सेट कर लेंगे। तो अभी मैंने मिठाई को अच्छी तरह से सेट कर ली है और अभी इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाए फिर इस मिठाई को निकाल लेंगे। तो अभी मैंने 3-4 घंटे के लिए रख दिया है, मिठाई पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, देख सकते हैं। अभी इस तरह से चाकू की मदद से साइड से इस तरह से किनारे को छुरा लेंगे। अभी इस तरह से एक प्लेट लेंगे और प्लेट को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से पलट देंगे और थोड़ा डिप डिप करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा मिठाई जो है कितनी आसानी से निकल आया है। तो अभी क्या करेंगे, चाकू की मदद से इसको एक शेप दे देंगे। तो आप लोग आपकी पसंद की कोई भी शेप से इस मिठाई को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मिठाई को कट कर ली है। तो अभी एक मिठाई को मैं लेके दिखाती हूँ, ये देखिए हमारा जो मिठाई है कितना प्यारा लग रहा है देखने में भी। तो जितना देखने में भी प्यारा लग रहा है ना फ्रेंड्स, खाने में उतना ही टेस्टी है। और बनाना देखा आप लोगों ने कितना आसान है। तो आप लोग इस तरह से इस अंगूर की मिठाई को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, बाय फ्रेंड्स।